नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी ने सत्ता पाकर जो घोटाले किए थे उनकी भी परतें अब खुलती जा रही हैं। कभी शीश महल तो कभी कथित शराब घोटाले मामले में सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सवाल वाजिब भी हैं। शीश महल का भ्रष्टाचार बाहर ना आए इसलिए केजरीवाल ने जांच करवा रहे अधिकारी का ही ट्रांसफर करवा दिया, क्योंकि केजरीवाल के पास पावर भी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग का हक भी केजरीवाल को दे दिया था। लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार बिल लेकर आई, जिस पर सदन में चर्चा भी हुई और अमित शाह ने बिल को तर्क के साथ पेश कर दिया। इस बिल को लोकसभा से पास भी करवा दिया गया है, जिसके बाद परेशान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अब एक और नई दिक्कत आ गई है। अभी इस चोट से केजरीवाल उभरे नहीं थे कि उनके एक और चहेते चेहरे पर गाज गिर गई है। दिल्ली सर्विसेज बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद से केजरीवाल को एक और नई परेशानी का सामना अब करना पड़ेगा। केजरीवाल के करीब और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो अभी कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया और मामले को सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि रेगुलर जमानत वाली याचिका के साथ ही इस पर भी सुनवाई होगी। अब 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी के साथ साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करेगा। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत की मांग की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर सुनवाई नहीं होगी, 4 सितंबर को ही रेगुलर बेल याचिका के साथ इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में आखिर में इसे वापस ले लिया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास उस वक्त आबकारी विभाग था। सीबीआई ने उन्हें घोटाले में कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया और तब से सिसोदिया हिरासत में ही हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। दूसरी तरफ ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया से पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 30 मई को सीबीआई ने मामले में उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सिसोदिया एक हाई प्रोफाइल मंत्री हैं, ऐसे में वो गवाहों को मिटा सकते हैं या फिर गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। उसके बाद सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, इसके संकेत साफ तौर पर मिले हैं। तो एक तरफ जहां सदन में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सरकार में मंत्री रहे और उच्च पद पर मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की दिक्कतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप किस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।